स्टूडेंट्स वेलकम टू द वीडियो टू। यहाँ पर जो है हम व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करने वाले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग और उसकी एप्लीकेशंस। जो हमारे इस सी एफ व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक सर्किट प्रिपेयर किया था जिसके अंदर चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया था और एक सेल लगाया गया था। इस जो सर्किट था उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पी क्यू आर एस जो है हमारे पास में चार रेजिस्टेंस हैं, ये हमारा सेल है। हमने दो कीज का इस्तेमाल भी किया है, के वन एंड के टू, और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया है। जैसे आप जानते हो कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका काम जो होता है सिर्फ करंट के डायरेक्शन को बताना होता है। जब करंट फ्लो होती है तो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो राइट या लेफ्ट में अपना डिफ्लेक्शन से उसको शो करता है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है चार रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो जो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमने यहाँ देखा कि जो चार रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस जो है दे आर कनेक्टेड एज द फोर आर्म्स ऑफ ब्रिजेस, ब्रिज ए बी सी डी। जो हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको हम ए बी सी डी के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, और ए बी बी सी और सी डी और ए डी जो है इसके चार आर्म्स हैं जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो ए सी आर्म है इसके अंदर हमने एक सेल कनेक्ट किया है जिसका ई एम एफ जो है वो ई है, और हमने की जो है के वन भी लगा रखी है। लेकिन जो हमारी बी डी आर्म है उसके अंदर हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है और दूसरी की जो है वो की टू के टू जो है वो लगा रखी है। एंड यहाँ पर जो आर रेजिस्टेंस है वो नोन है और जो एस है वो अननोन रेजिस्टेंस है। जो हमारी इधर वाली जो आर्म्स होती हैं, जो पी क्यू वाली जो आर्म्स होती हैं, उनको हम रेशियो आर्म्स कहते हैं। जो हमारी आर्म ए डी है जिसके अंदर हमने नॉन रेजिस्टेंस लगाया है उसको नॉन रेजिस्टेंस आर्म कहेंगे, और जो आर्म सी डी है जिसके अंदर हमने अननोन रेजिस्टेंस लगाया है उसको हम अननोन रेजिस्टेंस आर्म कहते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और उसकी कंडीशन ऑफ बैलेंस क्या है। और यहाँ पर जब हम इसके डेरिवेशन निकालेंगे तो हमें दो मेथड्स का इस्तेमाल करना है। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे डेरिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे को जो हमारा है बेसिकली, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको ये समझना है कि जब हम K1 और K2 जो है कीज़ को स्विच ऑन कर देते हैं तो जो हमारी मेन करंट I है वो फ्लो करना शुरू कर देती है, और हम करंट का डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि करंट यहाँ से मूव करती है। जब वो यहाँ पहुँचेगी तो उसके दो पाथ हो जाते हैं, एक I1 और दूसरा जो होता है I2 हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं B और D पॉइंट्स को, तो अगर हम ये देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो करंट की टेंडेंसी होती है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, तो अगर हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस बी पर ज़्यादा है, यानी कि जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है बी बी माइनस वी बी इज़ ग्रेटर देन वी डी, तो जो आई वन जो है करंट जो है सर्किट के अंदर इस आर्म के अंदर जो है एंटर करेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर डी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बी से ज़्यादा है, अगर डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर बी से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में जो है करंट जो आई टू करंट जो है इस आर्म के अंदर एंटर करेगी। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी देयर इज नो मतलब ये बी मतलब हमारा जो फर्स्ट अप कंडीशन है कि हमने ये अज्यूम किया है कि जो बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो डी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, अगर ये कंडीशन होगी तो यहाँ पर किसी तरह का भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर तो इस स्टेट को हम जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट या बैलेंस ब्रिज सिचुएशन कहते हैं। तो इस और इस सर्किट को हम जो है ब्रिज सर्किट कहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि हमने अज्यूम किया है कि जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वही डी पॉइंट का पोटेंशियल भी है, और जो बी डी आर्म है उसके अंदर किसी तरह की कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन द बैलेंस्ड ब्रिज सिचुएशन, अगर हम बैलेंस ब्रिज सिचुएशन की बात करते हैं तो बैलेंस ब्रिज सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ वाला पार्ट को कंसिडर करेंगे क्योंकि इस आर्म में भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस आर्म के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि हमारी करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, यानी कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा यहाँ कम है, तो हम क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पे करंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही फ्लो कर रही है तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी डी। क्योंकि जब हमारी बैलेंस सिचुएशन होती है तो इन दोनों आर्म्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है।
अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, करंट मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस। तो हमने I1 भी लिख दिया, इधर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस, तो ये I2R हो जाएगा। और अगर इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो I1 अपॉन I2 जो है वो R अपॉन P हो जाएगा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कर दिया, 1 डाल दिया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अभी हम करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो अगर जब बैलेंस कंडीशन होती है यानी कि बीडी आर्म में किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इस आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस आर्म के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ बी से सी की तरफ है, यानी कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पोटेंशियल कम है, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये सेकेंड कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वी बी माइनस वी सी दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इस करंट का डायरेक्शन है तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, वी डी माइनस वी सी। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम करंट के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, करंट इन टू दिस इज करंट, यहाँ पे भी आई वन करंट है, करंट इन टू रेसिस्टेंस, तो हमने लिखा आई वन क्यू। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पे करंट कौन सी है, आई टू इन टू रेसिस्टेंस, आई टू इन टू एस, रेसिस्टेंस कितना है एस। तो अगर यहाँ पर ये दिस इज आई टू, और इसको वापस हम क्या कर रहे हैं, रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आई वन बाय आई टू किसके बराबर हो जाएगा, एस अपॉन क्यू के, और इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, टू बोल दिया। जब हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई, तो क्योंकि इसका LHS जो है बराबर है, तो हम RHS को क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हम लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को जब कंपेयर किया, तो हमारे पास में R अपॉन P किसके बराबर है, S अपॉन Q के। और उसके बाद में क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा R अपॉन P इंटू क्यू। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट जो है, जिसकी मदद से, क्योंकि ये सारे रेसिस्टेंस हमारे नोन होते हैं, तो जो हमारा नोन रेसिस्टेंस एस जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो डेरिवेशन निकाली थी उससे हमें अननोन रेसिस्टेंस एस पता चल गया। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, तो जो भी रेसिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, वो सेम एफिशिएंस सेम रेंज के होने चाहिए। अगर 100 ओम है, 200 ओम है, तो ये 300 ओम हो, ऐसा नहीं है कि 100 200 लेकर यहाँ पे आप 1 ओम ले लो। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज था, और हमने अननोन रेसिस्टेंस के लिए रिलेशन भी निकाल लिया। अब हमें सेकेंड कंडीशन में क्या करनी है, बैलेंसिंग कंडीशन लेनी है व्हीटस्टोन ब्रिज की यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। इसमें थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें जो है पर्टिकुलरली इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। सो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड इसको ब्रैकेट में हम डाल देंगे इसको, क्योंकि हम ये जो सोल्यूशन हम कर रहे हैं उसको हम किसके कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। तो आपने इसको किरचॉफ्स लॉ पे भी इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करने से पहले आप जो है यहाँ पर एक चीज समझ लें कि जो हमारी यहाँ पर जो हमने बीडी आर्म ली है, उसके अंदर भी हमने करंट को कंसिडर किया है, और उस करंट को आई जी से जो है डिनोट किया है, और जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है उसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। तो जब ये वाली जो करंट है आई वन यहाँ पहुँची और आई जी इधर चली गई, तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, आई वन माइनस आई जी। और दूसरा होता है कि जब ये करंट यहाँ पर आई टू यहाँ पर पहुँचती है और आई जी यहाँ पर आ रही है, तो ये दोनों करंट यहाँ पर मीट करेगी, तो यहाँ पर इस आर्म में जो सी डी आर्म है उसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो आई टू प्लस आई जी हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि जो हमने किरचॉफ्स का जो हमने वोल्टेज लॉ पढ़ा था, जो KVL है, उसमें हम क्या करते हैं, लूप सेलेक्ट करते हैं। तो हमने लूप ए बी डी ए लिया और इधर जो है बी सी डी ए लिया। नॉर्मली लूप में हम या तो क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। और जो हमारा पोटेंशियल लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू जीरो, और हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लूप को कंसिडर कर रहे हैं कि कौन से लूप में हम लगा रहे हैं, इन ए बी डी ए, इसके अंदर सम ऑफ पोटेंशियल लगाया, तो पहला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी आई वन। फिर सेकेंड में हम जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका जी आई जी। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचोगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, I2R इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है, 1 बन जाती है।
उसके बाद में अगर हम सेकेंड लूप की बात करते हैं, जो सेकेंड लूप है इसका नाम क्या है, बी सी डी बी। इसके अंदर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो फर्स्ट जो हमारा हो जाएगा क्यू इंटू आई वन माइनस आई जी। फिर आप यहाँ जा रहे हो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, आई टू प्लस आई जी इंटू एस। फिर अगर आप यहाँ जा रहे हो तो अगेन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है जी और करंट की वैल्यू क्या है, आई जी। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे, वो जो हम लिखने वाले हैं वो हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू जी इंटू आई जी, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो के बराबर हो जाता है। अब जैसे जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारी बैलेंस कंडीशन होती है, जो हमारी बैलेंस कंडीशन होती है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, आई जी को जीरो के बराबर लिख लेना होता है। तो आप यहाँ पर जो है आई जी को अगर जीरो के बराबर ले दो लिखोगे, तो अगर आई जी इज इक्वल टू जीरो है तो ये वाली टर्म जो है हमारी रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये टर्म हमारी रिमूव हो जाती है व्हेन आई जी इक्वल टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं पी आई वन माइनस आई टू आर इक्वल टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं पी आई वन इज इक्वल टू आई टू आर। और अगर हम इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको रेशो फॉर्म में आई वन अपन आई टू लिखना है, आई वन अपन आर टू जो है वो किसके आई टू बराबर हो जाएगा, आर अपन पी के। ये भी हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, वन हो गई। सेकेंड वाले लूप में भी आपको सेम यही करना है, यहाँ पर आई जी जीरो रखना है, यहाँ पर आई जी जीरो रखना है, दिस इज ऑल्सो आई जी, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो उसमें फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, दिस इज क्यू आई वन, ये जीरो हो गया, दिस माइनस एस आई टू, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो गया क्यू आई वन इक्वल टू एस आई टू। और अगर हम इसको आई वन आई टू के फॉर्म में लिखेंगे, आई वन आई टू के फॉर्म में लिखेंगे, तो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एस अपॉन क्यू। और ये इक्वेशन जो है हमारी सेकेंड आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में जो है, दिस इज आर अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन क्यू, और इसको हम ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर हमारी बैलेंस कंडीशन आ जाती है, और नॉर्मली जो व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल जो है हम लोग अननोन रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्सेस होते हैं, जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। मतलब मीटर ब्रिज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।